नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। आज का जो डिश है आप देख रहे हैं वो एक नॉन वेजिटेरियन डिश है और जिसका नाम है अफगानी चिकन। और आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से एकदम से क्रीमी आई हुई है ग्रेवी और बहुत ही डिलीशियस दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं आज का रेसिपी। अफगानी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स ऑफ ड्रमस्टिक लिया हुआ है। आप अगर चाहें तो आप चिकन का कोई भी पीस ले सकते हैं। अब हमें चिकन पे चीरा लगा लेना है। दोनों साइड से हम चीरा लगा लेंगे और उसका जो टेंडन है उसे हम काट देंगे ताकि ये जो ड्रमस्टिक है ये पूरी तरह से एक जैसे साइज में बरकरार रहे। इस चिकन को अब हम मैरिनेट करने वाले हैं, इसीलिए अगर चीरा लगा देंगे तो मैरिनेशन जो है वो अंदर तक जाएगा और फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। टेंडन जो है वो काटना ज़रूरी तो नहीं है, अगर काट देंगे तो चिकन जो है वो तलते वक्त या फ्राई करते वक्त खींचेगा नहीं और अच्छी तरह से एक शेप में रहेगा। अब हम मैरिनेशन के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम जितना धनिया का पत्ता। दो बड़े प्याज को मैंने बड़े साइजेस में काट लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है 1.5 इंच जितना अदरक। यहाँ पर मैंने लिया है 3 हरी मिर्च। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 8 से 10 कली जितना लहसुन। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट से एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए एक फाइन सा पेस्ट जो है वह रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम जितना दही, 3 से 4 करेंगे स्वाद अनुसार नमक और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़ा चम्मच जितना सरसों का तेल। आप सरसों के तेल के जगह पे सादे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। हमने जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से बना लिया है, उसको अच्छी तरह से मिला लिया है हमने। अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसमें मैरिनेट करेंगे हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो। चिकन जो है हमारा लगभग मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में लेंगे हम 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना घी। आप ये डिश पूरी तरह से घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं घी और ऑयल का इस्तेमाल साथ में करूंगी। यहाँ पर मैंने लिया 1.5 बड़ा चम्मच जितना सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसमें अब हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 इंच का दालचीनी और 2 हरी इलायची। अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारा जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है। इससे पहले आप गैस ऑफ कर लीजिए, नहीं तो बिल्कुल सिम कर लीजिए गैस को, क्योंकि ढेर सारे छींटे अभी आने वाले हैं। हमने एक ही पेस्ट बनाया था, थोड़ा हमने मैरिनेशन के लिए यूज़ किया था, बाकी हम यहाँ पर पका रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इसके कलर की तरफ कितना अच्छा कलर आया है यहाँ पर। एटलीस्ट 5 मिनट के बाद हम देख रहे हैं ये अच्छी तरह से पक रहा है। इसको हम और भी 10 से 15 मिनट पकाएंगे। जिस बीच ये पक रहा है चलिए अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। अब हमने ले लिया है एक पैन, इसमें अब हम लेंगे 1.5 बड़ा चम्मच जितना घी। चिकन को हमें घी में ही फ्राई करना है तो ताकि फ्लेवर अच्छे आए। अब हम हमारे मैरिनेटेड चिकन को इसमें फ्राई करेंगे, तो धीरे धीरे करके हम सारे चिकन इसमें फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए चिकन। जब चिकन एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा हम इसे पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन पक रहा है इस तरह से देखिए रंग चढ़ रहा है चिकन में। चलिए हम देख लेते हैं हमारे ग्रेवी कैसी बन रही है। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं ग्रेवी जो है वो भुन रही है धीरे धीरे। हमें इसे एकदम धीमे आंच पर ही भुनना है। यहाँ पर देखिए मैंने एक पेस्ट बना लिया है जिसमें है 1 छोटा चम्मच जितना साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच जितना साबुत धनिया और 6 से 7 काली मिर्च के दाने। इसको मैंने एक पेस्ट बना लिया है। आप इसमें पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, लेकिन मुझे साबुत पेस्ट बनाकर देना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। अब हम इसे ढक लेंगे और फिर से इसे हम भुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रेवी है वो थोड़ी थोड़ी घटनी शुरू हो गई है और तेल जो है वो उभर कर ऊपर आ रहा है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा सूपी नहीं बनाना है, इसका कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे एक स्लरी जिसमें है 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर।
एक चौथाई छोटा चम्मच जितना हल्दी और एक छोटा चम्मच जितना गरम मसाले का पाउडर, जिसको एक स्लरी बनाकर हम इसमें देंगे ताकि जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आए। इसे हमें पेशेंस के साथ पकाना है ताकि जो सारे फ्लेवर हैं वो उभर कर आए, और जब तक हमारा चिकन पक रहा है ग्रेवी भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है और मसाले भी भुन गए हैं, खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो हमारा जो ग्रेवी है वो उतनी रेडी हो गई है, जब हम इसमें चिकन डालेंगे तो अब हम हमारे भुने हुए चिकन इसमें डाल देंगे। अब हम चिकन को थोड़ी देर के लिए इस ग्रेवी में पकाएंगे जब तक चिकन पूरी तरह से पक ना जाए। अब हम लेंगे हमारा छोटू तड़का फेम, ये कितना क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें अब हम भून लेंगे हमारा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर तुरंत रोस्ट करके किसी भी सब्जी में डाला जाए तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। हमने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है और उसका एक फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब हम इसे इस ग्रेवी में डाल देंगे। इसे अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है, मुझे लग रहा है इसमें और थोड़ा पानी देना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़े पानी का इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसे ढक कर पकाएँगे एटलीस्ट 5 से 7 मिनट के बाद। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए तेल किस तरह से उभर कर आ रहा है ऊपर, इसका मतलब है मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, चिकन भी अच्छी तरह से पक गया है, ग्रेवी का कलर देखिए किस तरह से उभर कर आया है। तो अब हम इसे फिर से ढक लेंगे और फिर से 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी किस हिसाब से हो गई है, मैंने इसी हिसाब से ही पानी लिया हुआ था। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, चिकन भी आप देख ही सकते हैं पूरी तरह से पक गया है, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए इतनी ही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी हमारे इस ग्रेवी में। यहाँ पर देखिए बिना काजू बिना फ्रेश क्रीम के हमारा जो ग्रेवी है कितना अच्छा दिख रहा है और कितना क्रीमी बना है। तो इस यमी रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए, और कैसा बना है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरा जो वीडियोज़ है वो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।